और अब जो है रेडी होकर के जा रहे हैं दरगाह पर ज्यारत करने के लिए। फ्रेंड्स, हम जिस दरगाह जा रहे हैं उस दरगाह का पूरे मुल्क में एक अपना ही मुकाम है, और इन सरकार के दरबार पे जो भी आता है वो कभी खाली हाथ और नाउम्मीद होकर नहीं जाता है। जो भी आया है हमेशा झोली भर के लेकर के गया है। तो आज हम सब जायरीन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जा रहे हैं, और बाबा से ये अर्जी लगाएंगे कि अल्लाह से हमारी दुआ करें और हमारे हक में बेहतर फैसले हो और हिंदुस्तान में और अमन और शांति का माहौल कायम हो और एक दूसरे में भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम फैले और मोहब्बत बढ़े। बस इन्हीं सब दुआओं के साथ हम दरगाह में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दरगाह पर। ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वजू बनाई जाती है, वजू घर है, और बाकी यहाँ पर और दुकानें हैं जहाँ से आप फूल वगैरह चादर वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं। और यहीं पर देग है जिसमें जो लोग भी मन्नत मांगते हैं, जो भी मन्नत हो, यही सामने यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यहीं पर देग है, मैं आपको ऊपर से चढ़ करके दिखाता हूँ। इस देग में लोग जो भी मन्नत मांगते हैं, जैसे कोई चावल की बोलता है कि मैं 50 किलो चावल दूंगा, 25 किलो चावल दूंगा, ये जो जिसकी जो भी गुंजाइश हो, जो भी मन्नत हो, वो यहाँ पर लोग मन्नत अपनी पूरी करते हैं। भीड़ काफ़ी होने की वजह से ठीक तरीके से इसको शूट नहीं कर पाया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि जिसकी जैसी मन्नत, कोई सोने का आइटम भी चढ़ाता है, चांदी का आइटम भी चढ़ाता है, चावल है, गेहूं है या रुपए हैं, जिसकी जैसी मन्नत होती है, जिसकी जैसी गुंजाइश होती है, वो यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं वजू घर में, यहाँ पर वजू बना रहे हैं, और यहाँ से वजू बनाने के बाद फूल लेंगे और चलेंगे दरगाह की ओर।